आज की पहली गुड न्यूज दिल्ली के एम्स से है। एम्स ने 300 रुपए तक की सभी जांचों और लेबोरेटरी चार्जेस को खत्म कर दिया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सर्कुलर में ये जानकारी दी गई है। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। अभी हर प्रक्रिया में यूजर चार्ज करीब 300 रुपए लगाया जाता था। दिल्ली से बिहार आने जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली से पटना के बीच बस सेवा जल्द शुरू होगी। आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे से ये सेवा शुरू करने के लिए बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने दिल्ली परिवहन निगम को प्रस्ताव भेजा है। इस सेवा के शुरू होने के बाद बिहार जाने के लिए लोगों को ज्यादा और रास्ते विकल्प। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गर्मी बढ़ती जा रही है। कल तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा है और इसलिए ग्वालियर के वन्य प्राणी उद्यान में पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहां पर पानी, कूलर और खाने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। असम इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन हमारी सेना बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने में जी जान से जुटी हुई है। इस वीडियो को देखिए। बाढ़ प्रभावित के घर पहुंचकर सेना बुजुर्ग को बचाने पहुंची। पानी इतना ज्यादा है कि बुजुर्ग के गले तक पहुंच रहा है पानी, लेकिन सेना ने ट्यूब फेंक कर हौसला बढ़ाया और बुजुर्ग की जान बचाई। गुजरात के गिर के जंगलों में भ्रमण करने आए सैलानियों के लिए सफर तब रोमांचक बन गया जब एक साथ 13 शेरों का परिवार नजर आया। बब्बर शेर, शेरनी और उनके बच्चे मिलकर कुल 13 बब्बर शेर एक साथ जंगल के सफारी कर रहे टूरिस्ट को देखने के लिए मिले। शेरनी अपने बच्चों को संभालती और साथ में खेलती नजर आई है। गिर जंगल के गाइड जीतू ने यह भी बताया है कि बार बार ऐसे दृश्य देखने के लिए नहीं मिलते। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने महिला विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। फाइनल्स में थाईलैंड की जिटपोंग को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन वो बन गई। निखत के मैच को टीवी पर देख रहे उनके पिता जमील अहमद का वीडियो सामने आया, जिसमें बेटी की जीत पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरा परिवार विक्ट्री साइन दिखाता नजर आ रहा है। ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ऋतिक आनंद को सीएम नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। पटना में सीएम नीतीश ने ऋतिक आनंद को अपने घर बुलाकर बधाई दी है। नीतीश कुमार ने ऋतिक आनंद को 15 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत 2 तय समय से पहले अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हो गई है। बताया जा रहा है कि ऐसा इसके ऑनलाइन लीक होने के चलते किया गया। साल 2020 में वेब सीरीज पंचायत रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। सीरीज के सीजन 2 को लेकर भी दर्शकों में खासा उत्साह। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की कांस फिल्म फेस्टिवल में धांसू एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने फेस्टिवल में फाइटर जेट से इवेंट में शानदार एंट्री की है। इसके साथ ही उन्होंने उनकी फिल्म टॉप गन मैवरिक की स्क्रीनिंग पर ऑडियंस से लंबा स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है। टॉप गन मैवरिक 27 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।